पिछले कुछ समय तो होशियारपुर विच चोरां वल्लों पुलिस नूं ठेंगा दिखाउंदे होए शरेआम चोरियां कीतियां जा रहियां हन। इत्थों तक कि कई दुकानां ते घरां विच दो दो तीन तीन बार चोरियां हो चुकियां हन। शहर होशियारपुर का कमालपुर इलाका एक अजिहा इलाका है जिथे दो या तीन बार नहीं सगो 16 बार चोरियां हो चुकियां हन, पर होशियारपुर का पुलिस प्रशासन इस तो बेखबर महसूस हो रहा है, जिस करके इलाके कमालपुर के लोग खुद पैरा देने मजबूर हैं। पेश है कुलदीप कक्कड़ की रिपोर्ट। अनिल छाबड़ा सर, की गल हुई जी? ये पिछली रात राती 12:30 के करीब इतों कुछ लोग टप के उपर गए, तो उन्होंने उपर जाके मंदिर हैगा उहदे विच जाके छेड़ाखानी की। उत्ते हुण उत्ते मंदिर की गोलक भी है नहीं, गोलक दे विच कोई करीब 5-6 हज़ार रुपया सी, वह भी तो भोले शंकर की जिहड़ी तस्वीर सी उहनूं भी उन्होंने उल्टा दिता। उत्ते गुरु महाराज के चरण पे सी, उन्होंने नाल भी उन्होंने बेअदबी की। कोई गल नहीं, करांगे। आस पास चोरियां हो रही है, महला बहुत ज्यादा परेशान है और लोगों के दिलों के बहुत ज्यादा डर जहा पै गया है। कंप्लेंट जदों पिछली बारी जदों मैं नाले सी खड़ा उत्थे ते कंप्लेंट कीती भी सी, और ये कोई मेरा ख्याल 10-15 दिन पहला। हाँ जी, एमसी साहब दे भी आई सी और पुलिस वाले आए भी सी उदों। हाँ जी, उदों जदों साडे पिछली गली च होई सी हाले तक तो कोई एक्शन नहीं लिया जी। एक्शन जां तां पुलिस प्रशासन करे कुछ, तो फिर महल्ले वाले बेचारे आप ही देखो जी तुरे फिरते हैं सड़कों के उत्ते गलिया च तुरे फिरते हैं। आ सारा महला इसे करके इकट्ठा होया पिया। हाँ जी, सोचते हुण की किया जाए, जो प्रशासन कुछ ना करे तो फिर असी करनी है। अस महला अपने आप रखवाली अपनी आप करेगा जी। ललता जी, मैडम की ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ 37,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਈ? 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕ ਖੋਲੇ, ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 12:45 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।